उत्तराखंड लाइव। राज्य में चुनाव हो चुके हैं और बीजेपी सरकार फिर से सत्ता में काबिज हो चुकी है। वहीं कांग्रेस अपनी अप्रत्याशित हार की समीक्षा कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं और कांग्रेस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि हार के चलते कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा ले लिया। उत्तराखंड में कांग्रेस इस समय बिना अध्यक्ष की है और दूसरी ओर सत्र शुरू हो रहा है। और वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी को प्रदेश में सरकार बनाने का बहुमत मिलने के 10 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का चयन हो पाया है और सत्र शुरू हो गया है। स्टेट या कोई भी स्टेट हो, भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग, जनता भी ये चाहती है कि एक सकारात्मक, रचनात्मक, एक मुख्य विपक्षी दल सशक्त होना चाहिए। अगर कभी सरकार के कदम बहक जाएं तो मुख्य विपक्षी दल इतना सशक्त होना चाहिए कि वो सड़क से लेकर सदन तक, सदन के बाहर भी आंदोलन कर सके। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मुझे लगता है कि जनता ने मैंडेट भी बिल्कुल ठीक दिया कि इनकी जगह विपक्ष में ही बैठने की थी। अगर इनको 35 ये लोग पहुंच जाते और मुख्यमंत्री चयन की स्थिति आ जाती थी तो इनके यहाँ तो सिर्फ उटव्वल, क्या पता नहीं हाथापाई और क्या क्या ना देखना पड़ता उत्तराखंड को। क्योंकि विपक्ष में 19 सीट इनको मिली है, उसके बाद भी ना प्रदेश अध्यक्ष है ना ही सीएलपी का कोई लीडर है, तो आखिर प्रभावित तो उत्तराखंड होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखें तो हमारे लिए तो और चीजें सब आसान हो गई, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री खुद 10 दिन में चुना, जबकि उनकी 47 सीटें थी। ऊपर से उनके जो उन्होंने जिनको मंत्री पद का वो इस शपथ भी दिलवाई, उन लोगों को आज तक उन्होंने अभी तक उनको यही नहीं बता पाए कि उनको किस मंत्रालय के मंत्री हैं। जब वो खुद के संगठन में ये नहीं कर पा रहे तो कांग्रेस को उठाने का उनको अधिकार नहीं है। और बहुत जल्दी पार्टी नेतृत्व तो हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी और नेता प्रतिपक्ष का चयन भी। विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए बुलाए गए विशेष सत्र में बीजेपी के अधिकांश विधायक नदारद दिखे। स्पीकर का चयन निर्विरोध हो गया, लेकिन परंपरा के अनुसार सभी विधायक सदन में रहते हैं और ये पीठ का सम्मान होता है। आलम यह रहा है कि नामांकन में तो प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, लेकिन उसके बाद वो भी सदन में नजर नहीं आए। अब बीजेपी सफाई दे रही है कि पार्टी पूरे प्रकरण को देखेगी और साथ ही ये भी कह रही है कि अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, विधायकों को क्षेत्र में भी जाना होता है। नियम है, नैतिकता भी कहती है, पर किन कारणों से नहीं थे या इतनी बड़ी संख्या एब्सेंट थी, अब आप, मुझे ये लगता है व्यक्तिगत रूप में कि हमारी जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला जो स्टेट है, ताज़ा चुनाव हुआ, पब्लिक की और विधानसभा क्षेत्रों के लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे विधायक से दर्शन हो जाए, उनसे मुलाकात हो जाए, और जो बड़े ही संवेदनशील विधायक होते हैं वो यही चाहते हैं कि जीतने के बाद हम अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता का आभार भी प्रकट कर सकें। हो सकता है इन कारण से उपस्थिति पूरी ना हुई हो, नियम के अनुसार ना हुआ हो, लेकिन फिर भी हमको ये देखने की ज़रूरत है कि अगर नियम ये कहता है तो क्यों विधायक हमारे अनुपस्थित रहे। निश्चित रूप में संगठन को भी देखेगा मुझको लगता है, और सरकार भी इस बात को देखेगी। 47 में से केवल 19 लोग सदन के अंदर। हाँ, निश्चित रूप में बहुत बड़ी संख्या है। अगर 5-7-8 लोग ना होते तो एक्सक्यूज था, लेकिन नियम का हवाला देते हुए जो आपने महत्वपूर्ण बात बताई, मुझे लगता है कि संगठन इस बारे में गौर करेगा। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता ज्योत्सना राजधानी देहरादून से। ज्योत्सना, बड़ी हैरानी की बात है कि चुनाव से पहले भी और चुनाव जीतने के बाद भी हर नेता, हर विधायक यही बयान देता है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाएंगे, जनता से जो वादे किए हैं, जो कुछ प्रोमिसेस किए हैं, उन प्रोमिसेस पर हम खरा उतरेंगे, लेकिन पहला जो कर्तव्य था वो जनता के प्रति भी था और सदन का अध्यक्ष चुना जाना था, यह भी उनके कर्तव्य का ही एक हिस्सा है, इसमें ही वो नदारद रहे तो जनता के बीच किस तरह से दिखाई देंगे? जब आप सदन में नदारद हैं तो जनता के बीच तो आप वैसे ही नदारद रहते हैं। इसको दो तरीके से लिया जा रहा है। नंबर एक कि आप जो सदन की एक परंपराएं हैं, तो फिर बीजेपी में इंटरनल कोई नाराजगी है, दोनों तरीके से इस पूरे विषय को देखा जा रहा है, लिया जा रहा है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जरूर इस बारे में बातचीत हो। सम्मान में व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं होता है,
कि पीठ का सम्मान होता है और जब सदन चलता है तो पीठ ही सर्वोच्च होता है, यानी कि पीठ का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है। और आप भी जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर पाता है, संविधान ने इतने अधिकार दिए हुए, तो उसके सम्मान के लिए सभी लोग आते हैं। लेकिन बीजेपी के अधिकांश विधायक कल नदारद थे, उसकी वजह या तो जानकारी ना होना था या बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है। लेकिन बीजेपी अब सफाई दे रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है लोग क्यों इतनी बड़ी संख्या में बाहर रहे हैं तो इसका भी पता लगाएंगे। हालांकि बीजेपी में अभी तक विधिवत तरीके से विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, ना कोई चीफ व्हिप बने हैं, संसदीय कार्य मंत्रालय एक फौरी तौर पर उनको दिया गया है प्रेमचंद अग्रवाल को केवल सत्र की अवधि तक, तो उनके पास भी बहुत सारे अधिकार अभी है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये विषय था जिसे बीजेपी जी अब देखना होगा कि कल का समय है, कल की सोमवार को अगर विपक्ष अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लेता है तो बेहतर होगा, वरना कांग्रेस में भी नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष दो पदों के लिए जबरदस्त तार पड़ी हुई है। हर नेता, वरिष्ठ नेता चाहता है कि या तो प्रदेश अध्यक्ष बने या नेता प्रतिपक्ष बने। यहाँ पर भी हरीश रावत और प्रीतम गुट का एक झगड़ा चल रहा है कि किसका गुट बने। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि पांचवी विधानसभा जहाँ अपने आप में इतिहास रची आज जिसने की एक महिला स्पीकर बनी है, वही अभी तक का भी एक जो ट्रैक है वो बड़ा अजीब सा चल रहा है कि ना परमानेंट संसदीय कार्य मंत्री है ना परमानेंट नेता प्रतिपक्ष है। जी 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 ज्योत्सना, ज्योत्सना तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा का पहला सत्र 29 मार्च से शुरू होने जा रहा है और 31 मार्च तक चलने वाले सत्र के दौरान राज्य के विकास से संबंधित कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। माना यह भी जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दे पर भी सरकार बैठक के दौरान काफी अहम फैसले ले सकती है। उधर भले ही अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा ना हो सका हो, लेकिन 29 तारीख से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी की संतुति के बाद विधानसभा सत्र के लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को संसदीय कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की है, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज के धार्मिक सांस्कृतिक ताने बाने के प्रति अपना लगाव जाहिर किया है। राष्ट्रपति बनने के बाद वो तीसरी बार उत्तराखंड के दौरे पर आए हैं। सेवा मिशन और कुष्ठ रोगियों को समर्पित ये संस्था है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए थे। राष्ट्रपति का यह दौरा 2 दिन का है। इससे पहले जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और फर्स्ट लेडी सविता कोविंद का जोरदार स्वागत हुआ है। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति कोविंद और उनकी पत्नी का जोरदार स्वागत किया। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से हमारे संवाददाता स्वरूप पुरी। स्वरूप, आज महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार के दौरे पर रहे, क्या कुछ कार्यक्रम उनका पूरे दिन रहा? देखिए, निश्चित तौर पर अनुज, आज का दिन जो है हरिद्वार के लिए विशेष था, क्योंकि आज महामहिम राष्ट्रपति स्वयं जो है हरिद्वार में थे। एक बड़ा आयोजन था दिव्य सेवा प्रेम मिशन का, जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने शिरकत करी है। और दिव्य सेवा प्रेम मिशन की बात अगर हम करें तो पिछले जो है कई वर्षों से जो है कुछ रोगों की सेवा के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्य भी यह संस्था करती आई है। आज इसका जो है 25वां रजत जयंती वर्ष था, इसी में जो है महामहिम राष्ट्रपति ने शिरकत करी है। सबसे बड़ी बात कि स्वयं राष्ट्रपति जो है इस संस्था से पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और इसके एक संस्थापक सदस्य के रूप में भी हैं, तो यही वजह है कि इस संस्था के प्रति और खासतौर पर अगर हम हरिद्वार की बात करें तो उसके प्रति उनका लगाव बहुत रहा है। और पिछले कुछ कालों में जो है ये लगातार उनका जो है तीसरा दौरा है, तो ऐसे में ये दौरा बहुत ही अहम था, क्योंकि कार्यक्रम की जो महत्व थी वो अपने आप में बिल्कुल अनूठी थी। यही वजह है कि राष्ट्रपति के आने के साथ साथ जो है सुरक्षा व्यवस्था, जो सुरक्षा चक्र था उसको काफी मजबूत किया गया था। कल राष्ट्रपति देहरादून पहुंच गए थे,
राजभवन में ठहरने के बाद आज सुबह वो हरिद्वार में आए। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था और किसी भी व्यक्ति को जो है कार्यक्रम में बिना जांच के आगे जाने की अनुमति नहीं देगी। कार्यक्रम समय पर समाप्त हुआ, राष्ट्रपति यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन जो दिव्य सेवा प्रेम मिशन है जिसने जो एक बार फिर ये संदेश दिया है कि जो कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं, खासतौर पर कुछ रोगियों से संबंधित कार्य हैं या मानव सेवा के प्रति जो उनके कार्य हैं, वो अपने आप में अलग हैं। और मन से आज सभी ने आह्वान किया कि हम सभी को जो है इस तरह के कार्यों में जो है शिरकत करनी होगी, तभी जो है समाज में जो है एक अच्छा संदेश जाएगा। जी जी जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वरूप पुरी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के बावजूद जिला 23 सीटों पर पराजय हुई है और उन कारणों की समीक्षा की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है। पार्टी नेतृत्व ने जल्द समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपे जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया है कि बीजेपी को प्रदेश की जनता ने अपार जनसमर्थन दिया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। वहीं जिन 23 विधानसभा सीटों पर हमारी हार हुई है उसके कारणों की समीक्षा की जा रही है और यही वजह है कि सरकार गठन के बाद ही अप्रैल माह के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष देहरादून आ रहे हैं और बीएल संतोष सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर हारी हुई सीटों की समीक्षा करेंगे और साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की जानकारी भी लेंगे। पार्टी आम चुनाव 2024 में जो होने जा रहे हैं, 2024 में जो आम चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए जो इस समय हमारे कुछ सीटें जो आसान रूप हम जीत नहीं पाए, उनकी समीक्षा के लिए किस कारण से हम वहां पर चुनाव हारे हैं, इसकी समीक्षा के हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों को विधानसभा में भेजा गया है और वो 1 अप्रैल तक अपनी वहां पर हमारे जो विधानसभा के संयोजक, चुनाव प्रबंधन समिति, वरिष्ठ जो हमारे कार्यकर्तागण हैं उनसे बातचीत करके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और 1 तारीख को उस रिपोर्ट को प्रदेश मुख्यालय में सौंपेंगे और इसके कारणों की समीक्षा की। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने सिख समाज के विवाह को पंजीकृत करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है और साथ ही मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि वो इस मुद्दे को लेकर कैबिनेट के सामने रखें और इसका राजपत्र में प्रचार कर विधानसभा सत्र में पेश करें। न्यायालय ने कहा है कि सिखों के विवाह की नियमावली आनंद मैरिज एक्ट 1909 में विवाह को पंजीकृत कराने के लिए राज्य सरकार ने अनिवार्य रूप से इन बिंदुओं को जोड़ा जाना चाहिए। न्यायालय ने इसी के साथ याचिका को निस्तारित कर दिया। याचिका दायर की थी माननीय उच्च न्यायालय में आनंद विवाह के पंजीकरण को लेकर। जिस प्रकार इस देश में अन्य प्रदेशों में आनंद कारज की विधि जो सिख समुदाय अपने विवाहों को करने के लिए करता है, उसके लिए उन प्रदेश सरकारों द्वारा नियम बनाए गए थे, पर देवभूमि उत्तराखंड में आनंद मैरिज को रजिस्टर करने के लिए इस प्रकार का कोई नियम नहीं था। तो इसके लिए मैंने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की, जिसमें मैंने यह मांग की कि देवभूमि उत्तराखंड में भी ये नियम लागू किए जाएं। उधम सिंह नगर के जनपद के गांव विक्रमपुर बाजू से एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में मजदूरों से भरा एक ट्रैक्टर पलट गया जिसमें 80 मजदूर सवार थे। वहीं हादसे में 50 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि 2 महिलाओं ने दम तोड़ दिया है। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पासी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनका इलाज जारी है। हासिल जानकारी के मुताबिक हादसा उस समय हुआ जब मजदूर अपने काम से वापस घर लौट रहे थे। टोली जिसमें कि लोग सवार थे, मजदूर बताए गए महिलाएं थी और वो आ रहे थे, तो वहां पर ओवर स्पीड या नियंत्रण नहीं रहा ड्राइवर गाड़ी उस पर ट्रैक्टर ट्रॉली पे, तो पट गई और उससे जो है उसमें काफी 30 लोग जो घायल हुए हैं, दोनों की उसमें 2 महिलाओं की उसमें मृत्यु हो गई अभी तक और जो सीरियस लोग हुए हैं उनको काशीपुर और सुशील अधिकारी अस्पताल को रेफर कर दिया। ब्रेक का ब्रेक खबरों का सिलसिला जारी है।